गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सब जगहों में हमारी ब्रांचेज है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि चीज़ पसंद आएगी। भी पुलाव है, इसका जायका, इसका कोई नेबुन बदल नहीं है। इट्स फैंटास्टिक। बन्नू बीफ पुलाव, बन्नू के एक ट्रेडिशनल अपना फूड है, पुलाव है, ट्रेडिशनल पुलाव है ये। बन्नू में ये असल में हमने पहले ये वजीरिस्तान में थे और फिर वहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ तो उससे कारोबार सारे ख़त्म हो गए और फिर हम लोग ऐसे इस्लामाबाद चले गए। फिर इस्लामाबाद में ये चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की और इस्लामाबाद में जैसे चले गए फिर लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आ गई। फिर उस लिहाज से हम लोग आ गए और जितनी भी ब्रांचें खोल ली सारी कामयाब हो गई। ऐसी एक ब्रांच भी ना थी जो नाकाम हो गई। गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सब जगहों में हमारी ब्रांचेज है। और ये कराची में नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि ये चीज़ हम कराची भी लेके जाए। एक नया डिश है पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। बन्नू बीफ पुलाव का मतलब काफ़ी मशहूर है। लाहौर में हम खाते रहे हैं लेकिन कराची में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे नहीं था। ये अपनी देसी स्वाद है, बहुत मिस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब किसी दोस्त ने मुझे कहा कि इधर एक शॉप खुला हुआ है, आके चेक किया, फौरन सुनते ही फौरन रातों रात अपनी डिनर घर में छोड़ के इधर लेने के लिए आए और पहले टेस्ट किया, अभी लेके जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वही देसी है, बेहतरीन है। कंपटीशन तो अभी ऐसी है कि बिरयानी का एक अलग टेस्ट है और अफगानी पुलाव का एक अलग टेस्ट है और हमारे बन्नू बीफ का एक अलग टेस्ट है। तकरीबन 15-16 किस्म के इसमें गर्म मसाले से आते हैं ना, सारा नेचुरल चीज़ होता है ना, वो सब इससे तैयार हो जाती है ना। ये वेड़े का गोश्त होता है और इसको हम लोग अपने जानवर लेके आते हैं बावलपुर मुल्तान से, उधर से हम लेके आते हैं और इधर पर अपने हमारी जगह उन्हीं में काटते हो। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये बिल्कुल मतलब इसका जायका अलग है और मसाले इनके अलग है और देसी तरीके से बनाते हैं, लकड़ियों से बनाते हैं। पूरे पाकिस्तान में नौकरी करके आया हूँ, हर जगह पुलाव, हर जगह के अपने खाने बहुत फेमस है, लेकिन ये जो बन्नू बीफ पुलाव है इसका जायका, इसका कोई नेबुल बदल नहीं है। इट्स फैंटास्टिक। मसाला बिल्कुल लाइट है, जो दूसरे जो बिरयानी में होता है मसाला उसमें ज़्यादा मसाला होता है, बिल्कुल पेट में भी मैदे में मसाला ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल नॉर्मल मसाला है, ऐसा लगता है ये घर का ही बना हुआ है पूरा। मैंने दुकान ऐसे ही डेकोरेट की है, सिंधी कल्चर में डेकोरेट की है, क्यों हम लोग सिंध आ गए और सिंधी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बस इसलिए मैंने थोड़ा वो सिंधी उसमें वो किया है ना। हमने कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे, कराची यूनिवर्सिटी रोड है, सफूरा इसको बोलते हैं, सफूरा इस जगह का नाम है। इस रोड पे हम लोग 480 रुपये किलो है, 240 रुपये आधा किलो है, 120 रुपये पाव होता है, रायता होता है, साथ में सलाद होती है और रायता भी हमारा बहुत मशहूर है, रायता भी बहुत पसंद करते हैं लोग। हम लोग कराची को लोगों को यही बोलेंगे कि आ जाए और एक बार ट्राई कर ले और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि चीज़ पसंद आएगी।